हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। क्या पुरानी कहानी से ही शुरू होगी नई कहानी? क्या प्यार निकलेगा बेवफा? क्या इस बार हीरो की हो जाएगी हार? नमस्कार दोस्तों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। कहते हैं कि अगर पुराने गिले शिकवे मिटाने हो तो एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, उससे सारी बात सॉर्ट हो जाती है। और इसी वजह से आ रहे हैं बॉबी देओल लौट के बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म सोल्जर 2 के साथ। आप सबने सोल्जर फिल्म तो देखी ही होगी और उसकी स्टोरी आप सबको याद ही होगी। भला भाई याद भी क्यों ना हो, क्योंकि वो फिल्म इतनी अच्छी थी कि सबके दिलों में उसकी स्टोरी बैठ चुकी थी। बॉबी देओल ने उस फिल्म में इतना अच्छा किरदार निभाया था कि सबकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो फिल्म के लास्ट में जाके ही ओपन हो पाई थी। और इसी वजह से फिल्म बहुत ज्यादा हिट गई थी और अब फिल्म का सीक्वल आ रहा है सोल्जर 2 के नाम से। आपको बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है इस फिल्म में बॉबी देओल का कैरेक्टर विकी फिर से लौटेगा और स्टोरी जहां खत्म हुई थी वहीं से आगे शुरू भी होगी। आपको बता दें बॉबी देओल इसमें हीरो के कैरेक्टर में नजर आएंगे और हर बार हीरो का कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ भी हो हीरो तो किसी से नहीं पिटता, फिर चाहे उसमें एनर्जी फुलझड़ी जितनी ही क्यों ना हो। और इस बार हमें देखने को मिलेगा कुछ नया, क्योंकि इस बार फिल्म में हमें नजर आएगा कि हीरो जो है वो विलन के हाथों मारा जाता है। अब भाई मेकर्स ने सोचा वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी क्यों दोहराई जाए, इस वजह से उन्होंने नई स्टोरी ऑप्ट करना चाहा और इसीलिए इस फिल्म में सुनने में आ रहा है कि विलन जीतेगा और हीरो उससे हार जाएगा। अब भाई कहते हैं ना, प्यार में खाया हुआ धोखा कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा, विलन के रूप में हमें प्रेमिका नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेमिका जो पूरी फिल्म में प्रेमी के साथ उनकी बाहों में बाहें डाल के घूमती रहती हैं, लास्ट में वही जाके हीरो को मार देंगी। और हीरो इतना ज्यादा धोखा खाया हुआ होगा कि वो उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पाएगा और वो मर जाएगा। इस फिल्म में हमें जो हीरोइन है वो ही विलन के रूप में नजर आएंगी। अब भाई प्रेमिका या हीरोइन ऐसा क्यों करेंगी ये तो हम भी नहीं जानते। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमें बड़े पर्दे पर फिल्म देख के इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि ऐसा किया क्यों हीरोइन ने। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।